दोस्तों, अब तक आपने बिग बॉस का शो देखकर ये तो आइडिया लगा लिया होगा कि बिग बॉस का टॉप टू कौन है, या फिर टॉप थ्री कह सकते हैं हम, टॉप थ्री मान लो कौन होगा। ऐसे में नेहा भसीन का एक इंटरव्यू सामने आया जहां पर नेहा भसीन ने अपनी बातों ही बातों में कुछ बात कह डाली। चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेहा भसीन का एक ऑनलाइन इंटरव्यू किया जा रहा था जहाँ पर नेहा भसीन अभी हाल ही में घर से बेघर हुई हैं, तो ऐसे में वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली शेयर करती हुई नजर आई कि आखिरकार टॉप टू कौन होंगे, कौन वो आखिरकार कंटेस्टेंट हैं बिग बॉस के टॉप टू। अभी जब आपको पता चल गया आपने तो कमेंट ऑलरेडी कर दिया होगा, मगर ऐसे में नेहा भसीन का खुलासा ये, नेहा का कहना है कि टॉप टू के अंदर उमर एंड साथ में करण, इन दोनों की जोड़ी ही जाएगी टॉप टू के अंदर। आप इस बात को लिख के रख लो, देख लेना, यही होना है। क्या नेहा भसीन ने ये जो टॉप टू का खुलासा किया है, एक तरफ करण तो दूसरी तरफ उमर, क्या ये सही है? क्या वहां पर उमर को हटके प्रतीक को होना चाहिए था, या फिर निशांत को होना चाहिए था, या फिर उमर ही डिजर्व करता है? और आखिरकार विनर कौन होगा ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा, मगर हाँ अभी टॉप टू, यहां नेहा भसीन ने जो कहा है, क्या नेहा की बात सही है? टॉप टू के अंदर उमर एंड करण ही हमें देखने को मिलेंगे, ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आपको क्या लगता है इसमें, नेहा भसीन ये सब कहती हुई नजर आई, क्या इन्होंने सही कहा या फिर नहीं, वो नीचे हमें कॉमेंट लिख के जल्दी से बताइए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है।